एस एकलव्य IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस लेक्चर में हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है सिलेक्शन मेथड्स इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, यानी कि जो स्वनिषेचित वाले पौधे हैं, स्वनिषेचन वाले जो पौधे हैं उनमें हम वरण के कौन से तरीके अपनाते हैं, यानी कि उनमें सिलेक्शन हम किस तरीके से करते हैं, किस आधार पर करते हैं, वो हम देखेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, जैसा कि हम जानते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है एक ऐसी घटना है जिसमें कि जो पॉलन है यानी कि पराग है जिसका ट्रांसफ़र होता है एंथर से किस में, वर्तिकाग्र में, कहाँ पर, किसके वर्तिकाग्र में, सेम फ्लावर के, उसी फ्लावर के वर्तिकाग्र में या कोई दूसरा फ्लावर ऑफ सेम प्लांट उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में एंथर का यानी कि परागकण का ट्रांसफ़र होता है। तो ऐसा जब होता है तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं और इस घटना को सेल्फिंग बोलते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स जो हैं जिसमें ये जिनका नेचुरल तरीका मतलब प्राकृतिक तरीका उनका प्रजनन का यही है। तो इसमें नेचुरली इनब्रेड एंड टेन टू बी होमोजाइगस, तो जिसमें इस तरह का सेल्फिंग होता रहता है। तो जैसा कि हम पहले देखे थे कि मेंडल के का एक एग्जाम्पल लेके पिछले लेक्चर में हम देखे थे कि जैसे जैसे सेल्फिंग होती है तो उसको होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाती है, यानी कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पे एक ही तरह के जीन जो है वो आते जाते हैं। और इसको एक दूसरा टर्म भी यूज़ किया जाता है, इनब्रिड्स या इनब्रीडिंग। तो इनब्रीडिंग एक थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म है। इनब्रीडिंग का मतलब ये बोलता है कि जो जो पेरेंट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन हो रहा है उनमें जीन्स जो हैं काफ़ी मिलते जुलते हैं तो उसको हम इनब्रीडिंग बोलते हैं। और सेल्फिंग जब मतलब मेल और फीमेल दोनों में जो स्पर्म है और एग है दोनों में बिल्कुल सेम ही जीन है, अगर एक ही पौधे से बन रहे हैं तो एग में भी वही जीन है उसके क्रोमोसोम में और जो परागकण में जो न्यूक्लियस है उसमें भी वही जीन है, तो वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग हुआ। तो सेल्फिंग भी एक टाइप का इनब्रीडिंग है जो कि मैक्सिमम इनब्रीडिंग हम उसको बोल सकते हैं क्योंकि बिल्कुल जीन्स जो हैं वो सिमिलर हैं एक ही पौधे में बन रहे हैं, तो अदरवाइज मिलते जुलते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि इनब्रीडिंग होना। तो सेल्फ पॉलिनेटेड में इनब्रीडिंग होता है और होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। तो होमोजाइगस लोसाई विल रिमेन होमोजाइगस फॉलोइंग सेल्फ पॉलिनेशन। अगर कोई होमोजाइगस कंडीशन है मतलब मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, यहाँ पर बी बी जीन है, यहाँ पर ए ए जीन है, तो इसका जब हम सेल्फिंग करते जाएंगे तो उसमें भी यही कंडीशन मिलता जाएगा, इसको हम फिर से सेल्फिंग करेंगे फिर से यही मिलेगा। तो होमोजाइगस लोसाई या होमोजाइगस लोकस जो है वो होमोजाइगस ही बना रहेगा सेल्फ पॉलिनेशन अगर होता रहेगा तो, क्योंकि बाहर से कोई दूसरा जीन नहीं आएगा वही कंटिन्यू होता रहेगा। हेट्रोजाइगस लोसाई जो होता है वो सेग्रीगेट करेगा, पृथक्करण होगा, मेंडल के पृथक्करण के नियम के हिसाब से आधे होमोजाइगस बनेंगे और आधे हेट्रोजाइगस बनेंगे। कैसे बनेंगे हम देखते हैं। ये जैसे एग्जाम्पल एक हमने लिया है तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें देख रहे हैं कि एक पेरेंट ए है जिसमें दोनों कैपिटल ए है, तो दोनों क्रोमोसोम में कैपिटल ए है, और दूसरा पेरेंट है जिसमें कैपिटल ए स्मॉल है मतलब स्मॉल ए है, तो इसमें अलग एलील है इसमें अलग एलील है, तो इसको अलग दिखाने के लिए इसका साइज़ थोड़ा छोटा लिया है और इसका साइज़ बड़ा लिया है। एक्चुअली में जब होमोलोगस होगा तो दोनों क्रोमोसोम एक जैसे होंगे, बट बस जस्ट इसको समझने के लिए कि ये अलग दिखाने के लिए इसका साइज़ थोड़ा छोटा लिए हैं इसका बड़ा लिए हैं। तो ये इसमें कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है, जब इनमें क्रॉस हुआ तो एक इधर से आया एक इधर से आया तो कैपिटल ए स्मॉल ए एक साथ आया, तो ये कंडीशन जो है ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हुआ, ये कंडीशन जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन हुआ कि दोनों अलग अलग एलील आए हैं एक साथ में। जब इसका सेल्फिंग हम करते हैं तो सेल्फिंग करने के बाद हमको ये कंडीशन मिलता है, 3:1 का रेशियो मिलेगा, और जीनोटाइप के हिसाब से देखेंगे तो 1:2:1 का रेशियो मिलता है। तो ये और ये अगर हम देख रहे हैं तो ये और ये होमोजाइगस हैं क्योंकि दोनों सेम एलील आए हैं एक साथ में, और ये हेट्रोजाइगस है, तो 4 में 2 जो है वो होमोजाइगस हैं और 2 हेट्रोजाइगस हैं, यानी कि 50% आधा जो है वो होमोजाइगस है और आधा हेट्रोजाइगस है। तो जब हम सेल्फिंग करते हैं तो होमोजाइगोसिटी बढ़ती है क्योंकि सेग्रीगेशन होता है, ये अलग होता है
तो अलग होके सेग्रीगेशन होता है, तो फिर इसके साथ इसको सेल्फिंग कर रहे हैं, मतलब सेम इसी के जैसे साथ में इसका क्रॉस हो रहा है, तो इसके साथ ये आता है तो ये कंडीशन बन जाएगा, इसके साथ ये आएगा तो ये कंडीशन बन जाएगा, और जब ये दोनों आपस में आएंगे तो हेटरोजाइगोसिटी बनेंगे। तो सेग्रीगेशन की वजह से जो है होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाएगी, और 50% जो है एक बार के क्रॉस सेल्फिंग में 50% होमोजाइगस हो जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जब हम हेटरोजाइगस पहले बनाए हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, उसका जैसे जैसे हम सेल्फिंग करते जाते हैं तो होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाती है। पहले जनरेशन में 50% यानी कि ये और ये होमोजाइगस और ये हेटरोजाइगस, फिर अगले बार में फिर इसमें 50% से आधा होमोजाइगस, 12.5 और 25% ये हेटरोजाइगस, तो ये 25 और ये 25 मिल के 75% होमोजाइगस। तो ऐसा करके हर जनरेशन में बढ़ता जाएगा, तो देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 पांच बार जब सेल्फिंग हुआ है, पांच जनरेशन जब सेल्फिंग हुआ है, तो होमोजाइगोसिटी लगभग 96-97% होमोजाइगोसिटी आ गई है, और इसको एक दो जनरेशन और आगे जाएंगे, 7-8 जनरेशन तक जाएंगे तो ऑलमोस्ट 99% जो है होमोजाइगस हो जाएंगे। तो हेटरोजाइगोसिटी बहुत कम हो गई है, 3.1% है पूरे पॉपुलेशन में, और होमोजाइगोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जब हम सेल्फिंग करते हैं, क्रॉसिंग करने के बाद जैसे सेल्फिंग करते जाते हैं तो होमोजाइगस की संख्या बढ़ती जाती है, तो इसलिए बोलते हैं कि होमोजाइगोसिटी विल इंक्रीज, और 7-8 जनरेशन जाते जाते ऑलमोस्ट 99% पॉपुलेशन विल बिकम होमोजाइगस। तो जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं इसमें, तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में कैसा होगा, क्योंकि बार बार सेल्फिंग होता है तो होमोजाइगोसिटी आती है, मतलब सेम टाइप के एलील दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में वाले इसकी संख्या जो है बढ़ती जाएगी। तो इसलिए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में हमको मेथड वैसा ही यूज़ किया जाता है जिसमें कि होमोजाइगोसिटी लाया जाए, मतलब जो अच्छे जीन हैं उनकी होमोजाइगोसिटी बढ़ाया जाए, मतलब दोनों होमोजाइगस क्रोमोसोम में वही जीन आ जाए जो डिजायरेबल जीन है। तो होमोजाइगस एक बार हो जाएगा तो उसको जब हम सेल्फिंग करते जाएंगे तो वही जीन बरकरार रहेगा। तो सेल्फिंग में जो मेथड अपनाया जाता है उसमें ऐसा मेथड अपनाया जाता है जिससे कि होमोजाइगोसिटी बढ़े, ताकि जो डिजायरेबल जीन है उनको एक बार अगर क्रॉस करके कहीं से ले आए हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये टीटी था और टीटी था, ये अगर डिजायरेबल है मेरा और ये इसमें इसको लाना है, तो क्रॉस जब किए हैं तो ये जब आया है ये हेटरोजाइगस है, इसके बाद जब सेल्फिंग करते जाएंगे तो होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाएगी, तो ये वाले इसका जो पॉपुलेशन में इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, तो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन में एम यही रहता है कि जो डिजायरेबल जीन है उसकी मात्रा हम होमोजाइगोसिटी के थ्रू बढ़ाएँ। तो इसमें दो तरीके के मेथड अपनाए जाते हैं, एक है विदाउट क्रॉसिंग, जिसमें हम बिना क्रॉस किए उसमें सिर्फ ओनली सिलेक्शन या वर्ण करते हैं बिना क्रॉसिंग किए हुए, जो हमारे पास अवेलेबल है उसी में से हम छांटते हैं सिलेक्शन करते हैं। तो इसमें जो मेथड्स आते हैं वो प्योर लाइन मेथड, मास सिलेक्शन, ये सब आते हैं, और दूसरा जो है सिलेक्शन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉसिंग, मतलब पहले हम क्रॉस बनाते हैं उसके बाद उसमें जो पॉपुलेशन होता है उसकी जो पीढ़ी बनती है उसमें से हम छांटते हैं। तो एक बिना क्रॉस बनाए जो हमारे पास पॉपुलेशन है उसमें से छांटते हैं, एक हम क्रॉस बनाने के बाद उसमें से छांटते हैं। तो इसमें पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड, बैक क्रॉस मेथड, ये सब आता है। तो हम ये पेडिग्री मेथड को और बैक क्रॉस मेथड को देखेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में ये दोनों मेथड हैं, और प्योर लाइन मेथड, मास सिलेक्शन, इसको हम देखेंगे। तो ये एक नॉर्मली मेथड्स के नाम हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में इस्तेमाल होते हैं, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन, बल्क मेथड, सिंगल सीड डिसेंट मेथड, बैक क्रॉस मेथड। तो इसमें पेडिग्री मेथड जो है ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है, इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे मास सिलेक्शन, मास सिलेक्शन जो है ये सबसे बेसिक और एक पुराना मेथड है सिलेक्शन का या वर्ण करने का, और ये काफ़ी समय से चला आ रहा है, जाने अनजाने किसान अपने खेत में भी मास सिलेक्शन करते रहते हैं। तो इसमें दो तरीके का होता है, एक है पॉजिटिव मास सिलेक्शन और दूसरा होता है नेगेटिव मास सिलेक्शन। ये और कुछ नहीं, ये तरीका है, उसमें से सिलेक्शन मतलब वर्ण, हम किसका वर्ण कर रहे हैं, किसका सिलेक्शन कर रहे हैं, जो हमारे लिए अच्छे गुण वाले हैं पौधे हैं उनको हम अलग कर रहे हैं, जो अच्छे गुण वाले नहीं हैं उनको हम छोड़ दे रहे हैं। तो
पॉजिटिव में हम क्या करते हैं कि जो डिजायरेबल हैं, जो हमारे लिए मनचाहे कैरेक्टर्स हैं, जो अच्छे गुण वाले पौधे हैं, अच्छे गुण हैं जिनको हम रखना चाहते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं पूरे समूह में से, पॉपुलेशन में से, और उनको आगे बढ़ाते हैं। तो पॉजिटिव मास सिलेक्शन में हम डिजायरेबल कैरेक्टर्स को, या जो हमारे लिए जिसको जो हम चाहते हैं, ऐसे गुणों को हम छांटते हैं, ऐसे पौधों को हम छांटते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। और नेगेटिव मास सिलेक्शन में इसके विपरीत हम क्या करते हैं, हम पॉजिटिव गुण वालों को नहीं छांटते, बल्कि वैसे जिनको हम नहीं चाहते हैं, ऐसे गुण वाले पौधे या ऐसे गुण जो हम नहीं चाहते हैं कि ये हमारे पास रहें या ऐसे पौधे आगे जाएं, उनको हम निकाल देते हैं। तो जब हम उनको निकाल देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो बच जाएंगे वो वही पौधे होंगे जिसमें कि डिज़ायरेबल ट्रेट्स या डिज़ायरेबल लक्षण मौजूद हो। तो इसको बताने का एक अलग अलग तरीका है, एक नेगेटिव मास सिलेक्शन जिसमें हम खराब गुण वाले या जिनको हम नहीं चाहते हैं ऐसे गुण वाले पौधों को हम छांट देते हैं, और पॉजिटिव मास सिलेक्शन जिसमें हम जो जिनको चाहते हैं उनको छांट के अलग करते हैं, और जो खराब है उनको हम यहाँ निकाल नहीं रहे हैं, पर यहाँ पर हम उनको निकाल देते हैं। तो ये एक तरीके से देखेंगे, दोनों में से कंपेयर करेंगे तो ये एक तरह से अच्छा इसलिए है क्योंकि जो गुण वाले अनडिज़ायरेबल टाइप के हैं, जो डिज़ायरेबल नहीं हैं, उनको अगर हम निकाल देते हैं तो उनमें से कोई परागकण से किसी का परागण या उनके गुण का रह जाना, वो थोड़ा सा वो संभावना ख़त्म हो जाती है कि उससे किसी का परागण हो जाए तो उसका जीन वहाँ पर रह गया, तो वो संभावना को हम ख़त्म करते हैं। तो ये दो तरीक़े का है, पॉजिटिव और नेगेटिव मास सिलेक्शन। अब इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में एक्चुअली क्या करते हैं उसको हम देखेंगे। तो ये इसमें एक्चुअली हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है या एक समूह है, तो ये पॉपुलेशन वर्ड ना ये पॉपुलेशन शब्द बार बार इसमें आएगा सिलेक्शन में, जब भी हम बात करते हैं कोई ब्रीडिंग मेथड का बात करते हैं या कोई भी बात करते हैं तो इसमें ये पॉपुलेशन शब्द बार बार आएगा, समूह। तो समूह या पॉपुलेशन हम किसको बोलते हैं, तो समूह या पॉपुलेशन हम उसको बोलते हैं कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एक कुछ इंडिविजुअल्स की समष्टि जिसमें कि सबको इक्वल चांस है टू गेट मेटिंग विथ ईच अदर। मतलब यहाँ पे अगर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पौधे लगे हुए हैं, तो इस 14 पौधों में हर पौधे को इक्वल चांस है कि वो इसके साथ या इसके साथ या इसके साथ, हर कोई हर किसी के साथ मेटिंग हो सकता है, यानी कि पॉलिनेशन हो सकता है। तो ऐसा जो समूह है उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन, जहां हर एक इंडिविजुअल का इट हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ मीटिंग विथ एनी अदर मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। उस समूह में जित कोई भी दूसरा है उसके साथ उसकी मीटिंग हो सकती है और वो सक्सेसफुल मीटिंग हो सकती है, तो उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। तो ये पॉपुलेशन वर्ड बार बार आएगा। तो मेरे पास एक पॉपुलेशन है जिसमें ये यहाँ पर 14 मेंबर हम देख रहे हैं, तो इस तरह का पॉपुलेशन मतलब एक ग्रुप, एक फील्ड है जहाँ पे ऐसे मान लीजिए 1000 पौधे लगे हुए हैं, 2000, 5000 पौधे लगे हुए हैं, तो एक पॉपुलेशन हुआ। तो उसमें से सिलेक्शन करते हैं, यानी कि वर्ण करते हैं किसका, जो कि एक जैसे हैं, जिनके गुण एक जैसे हैं और जिसमें जो गुण हैं वो डिज़ायर्ड हैं, मतलब डिज़ायर्ड लक्षण वाले, जिन जो लक्षण हम चाहते हैं कि ये लक्षण रहे, वैसे लक्षण वाले एक जैसे दिखने वाले पौधों का हम चुनाव करते हैं और उनके बीज को बल्क कर देते हैं, उनमें उनको बीज को हार्वेस्ट करके उन बीज को मिला के इकट्ठा करके बल्क कर देते हैं। तो सिलेक्शन करेंगे किसका, सिमिलर एक जैसे दिखने वाले और डिज़ायर्ड, जिसमें लक्षण जो है वो जो डिज़ायर्ड जो हम चाहते हैं कि जो लक्षण रहे, वैसे लक्षण वाले पौधों का हम चुनाव करते हैं और उनके सीड को मिला देते हैं, उनके बीज को ले करके उसके बाद हम ट्रायल में देते हैं। तो ट्रायल कई तरह का होता है, ट्रायल जहाँ पे उनको उगा के देखा जाता है कि वो उनका उपज कितनी हो रही है, कितने दिन में उपज दे रहे हैं, कितने उनके और लक्षण क्या है वगैरह उन इन ट्रायल में, और उनको कंपेयर किया जाता है। ट्रायल जब करते हैं तो उनको कंपेयर किया जाता है, उनकी तुलना की जाती है किससे, तो ऑलरेडी उस जगह पे जो एक अच्छी कोई वैरायटी ग्रो हो रही है, कोई अच्छी किस्म वहाँ पे ऑलरेडी उग रही है उस एरिया में, तो उसके साथ इसकी तुलना की जाती है। तो प्रिलिमिनरी ईल्ड ट्रायल्स, पहले प्रिलिमिनरी ईल्ड ट्रायल किया जाता है,
तो उसको ट्रायल में लगाया जाता है। जब वो ट्रायल में मान लीजिए या एक जगह एक में हम जो उगने वाली लोकल में अच्छी जो किस्म है उग रही है उसको लगाते हैं, और साथ में यहाँ से जो छांटे हैं उन बीजों को यहाँ लगाते हैं। तो ये जो सीड हम छांटे हैं उनको हम यहाँ लगाते हैं, और साथ में हम जो लोकल कोई अच्छी किस्म है उसको लगाते हैं, तो उनकी तुलना करते हैं और उसमें देखते हैं कि अगर इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, अगर ये अच्छा ग्रो कर रहा है, तो फिर इसको मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल में भेजते हैं। मल्टी लोकेशन का मतलब ये है कि हम इसको अलग अलग लोकेशन पे भेजते हैं। तो मान लीजिए जैसे यहाँ रायपुर में अगर कोई किस्म इसमें कोई ऐसा किया गया कि कोई सीड को इकट्ठा किया गया उसमें से अच्छे पौधे को छांट करके, तो उस सीड को पहले प्रिलिमिनरी ट्रायल में डाला गया, तो उसमें उसका परफॉर्मेंस अच्छा आया, रिजल्ट अच्छा आया, तो उसको हम मल्टी लोकेशन में डालेंगे। यानी कि हो सकता है कुछ जो है वो करनाल भेज दिए, कुछ जो है कोयम्बटूर भेज दिए, कुछ जो है बेंगलोर भेज दिए, कुछ जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भेज दिए। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकेशन पे उसका ट्रायल किया जाता है। किसके लिए? तो यील्ड के लिए। ये ट्रायल भी यील्ड के लिए है, पैदावार के लिए है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सिलेक्शन या वरण किसके लिए कर रहे हैं? एक उन्नत किस्म की वैरायटी मुझे मिले जिसमें पैदावार वगैरह ज़्यादा हो। तो पहले प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल किया जाता है, उसके बाद मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल किया जाता है अलग अलग लोकेशन पे, और मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल होने के बाद अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो फिर हम उसको सीड को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि सीड को बढ़ाते हैं ग्रो करके, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, फिर उसको लोगों को दे दिया जाता है कि आप इसको उगाइए, इसमें पहले से पैदावार ज़्यादा है। तो मास सिलेक्शन एक बहुत ही सिंपल मेथड है जिसमें फील्ड में जो पॉपुलेशन है उसमें से हम कुछ डिज़ायरेबल पौधों को छांटते हैं जो कि एक जैसे दिखने वाले हैं, इनके लक्षण एक जैसे हैं, उनको छांटते हैं। सिमिलर इसलिए मतलब उसमें लक्षण जैसे कितने दिन में फूल आ रहा है, कितने दिन में फल लग रहा है, कितनी फलियां लग रही हैं, इस तरह के कितने बीज लग रहे हैं एक फल फली में, तो इस तरह के जो है सिमिलर लक्षण वाले पौधों को और जो डिज़ायरेबल है उनको छांटते हैं, और उनके सीड को हम इकट्ठा करते हैं, उसको पहले प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल में देते हैं, फिर उसमें से अगर वो सक्सेसफुल है तो फिर मल्टी लोकेशन ट्रायल पे भेजते हैं, और फिर उसके बाद सील्ड को मल्टीप्लिकेशन करके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देते हैं। तो ये मास सिलेक्शन का मेथड है जो कि एक सिंपल मेथड है। तो जब ये मास सिलेक्शन हम करते हैं, माने सीड को बल्क करते हैं और उसको आगे ट्रायल में भेजते हैं, तो कई बार पहले उसको एक बार उगा के देख लेते हैं। तो उस जो हम छांटे हैं, सीड को छांटे हैं, तो उसमें से हम जो पौधे को छांटे हैं जिसमें से बीज हम इकट्ठा किए हैं उनको पहले लगा के एक बार देख लेते हैं। तो इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनीज लगाते हैं, मतलब मान लीजिए मैं इस पौधे को छांटा हूँ तो इसमें से जितने बीज मिले हैं उसको मैं एक लाइन में लगाता हूँ। मान लीजिए इसमें से जो छांटा हूँ तो इसके जो बीज हैं उसको मैं यहाँ लगाया हूँ। तो इंडिविजुअल प्लांट को जो हम छांटे हैं उनका प्रोजेनी रोज, उसमें जितने सीड हैं उनको एक लाइन में लगाते हैं। इंडिविजुअल प्लांट के प्रोजेनीज मतलब सबको ग्रो करते हैं, जितने सीड इकट्ठा किए हैं सारे सीड को लगाते हैं। तो इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी ग्रो करेंगे, इसमें से जो खराब हैं उसमें से फिर कंपेयर करेंगे, जो थोड़े खराब हैं जो थोड़ा कम अच्छा उतना ग्रो नहीं हो रहा है उसको हम छांट देंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे, और बाकी जो बचे हुए हैं उनको लेके फिर हम यील्ड ट्रायल में भेजेंगे, फिर मल्टी लोकेशन में भेजेंगे, फिर सीड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो सिंपल मास सिलेक्शन है जिसमें प्रोजेनी का हम टेस्ट नहीं करते, प्रोजेनी मतलब अगली पीढ़ी को उगा करके हम देख रहे हैं कि कैसी हो रही है, जो हम छांटे हैं उनका रिजल्ट कैसा है, तो यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं, पक्का कर लेते हैं, उसके बाद आगे ट्रायल में जाते हैं। और जहाँ पे बिना प्रोजेनी है वहाँ पर हम ये नहीं देखते, सीधे ट्रायल में चले जाते हैं। तो इसमें हमको एक साल जो है एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। तो ये हुआ विथ प्रोजेनी टेस्ट, मतलब जहाँ हम प्रोजेनी टेस्ट के साथ करते हैं। तो मास सिलेक्शन जो है जब हम कर रहे हैं तो मास सिलेक्शन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक विदाउट प्रोजेनी टेस्ट और एक जो है विथ प्रोजेनी टेस्ट। हम प्रोजेनी टेस्ट के साथ करते हैं या विदाउट करते हैं। तो नॉर्मली जो है विदाउट वाला किया जाता है, कभी कभी ही विथ प्रोजेनी टेस्ट करते हैं।
तो इसके कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स अगर हम देखेंगे तो इसमें जैसा कि हम देखते हैं कि 3-4 साल में किस्म तैयार हो जाती है, तो टाइम कम लगेगा, लेबर भी नहीं लगेगा, कॉस्ट भी कम लगेगा, जो है लंबा लंबा ईल्ड ट्रायल्स भी कभी कभी ज़रूरत नहीं होता है। कई बार देखते हैं कि एक बार ईल्ड 2 ट्रायल देखे तो उसमें ही बहुत अच्छा कर रहा है तो फिर आगे ट्रायल की ज़रूरत नहीं है। एडॉप्टेशन ऑफ ओरिजिनल बर्ड, चूँकि ये और ऑलरेडी अवेलेबल किस्म जो है उसमें उसी में को उगा करके उसमें से छांटते हैं तो वो किस्म जो है वो ऑलरेडी जो है एडाप्टेड है, मतलब उस जगह के लिए उस वातावरण के लिए ऑलरेडी अनुकूल है, उसमें से ही हम छांट के कुछ अच्छी किस्में छांट रहे हैं, उसमें से अच्छे टाइप्स को छांट रहे हैं। तो इसलिए जो है उसके अनुकूलता पर, उस वातावरण के लिए जो अनुकूलता है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है। और मास सिलेक्शन जो है उसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी मौजूद रहता है क्योंकि हम एक समूह में से कुछ डिज़ायरेबल्स एक जैसे लगने वाले कैरेक्टर वाले पौधों को छांट रहे हैं तो पर उसमें वेरिएशन फिर भी कुछ बना रहता है। इसमें जो डीमेरिट है, चूँकि ये जो एक समूह में से छांट रहे हैं तो इस ये पूरी तरह से एक समान नहीं दिखता। जब हम खेत में इसको लगाते हैं तो थोड़ा थोड़ा अंतर उनमें अलग अलग पौधों में हमको दिखता है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं होता है। और चूँकि ऑलरेडी वो ग्रो हो रहा है उसमें सिर्फ हम छांट ही रहे हैं तो बस ये है कि जो थोड़ा ख़राब है वो निकल गया, जो थोड़ा अच्छा है वो आ गया, तो बहुत ज़्यादा एकदम से उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। मतलब कि अगर जो ऑलरेडी ग्रो हो रहा था सम पॉपुलेशन उसमें मान लीजिए 40 क्विंटल पैदावार आ रही थी तो जो अच्छा वाला हम छांटे ऐसा नहीं कि उसमें एकदम से 50-60 ऐसा इंक्रीज़ हो जाएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है उसमें इंक्रीज़ हो जाए। क्योंकि हम सिमिलर वाले छांटते हैं तो उसमें बस यही होगा कि जो अगर कुछ मिक्सचर हो गया है किसी तरीके से उसमें अगर क्रॉस पोलिनेशन होकर कुछ दूसरे जीन आ गए हैं, कुछ अलग लक्षण आ गए हैं, सिर्फ वही निकल जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा ऐसा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा ऐसा इसमें से उम्मीद नहीं कर सकते। और नो श्योरिटी ऑफ होमोजाइगोसिटी इन एब्सेंस ऑफ प्रोजेनी टेस्ट, जब हम प्रोजेनी टेस्ट नहीं कर रहे हैं जहाँ पे तो उसमें जो जीन्स हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में है ये हमको पता नहीं चलेगा। अगर प्रोजेनी हम लगा के देखते हैं तो अगर कुछ हेट्रोजाइगस वाले पौधे भी आ गए हैं तो उसमें सेग्रीगेशन होगा, अलग अलग हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल ए स्मॉल ए अलग होगा। लेकिन अगर हम प्रोजेनी टेस्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर हमको पता नहीं चलेगा ऊपर से देखने से। और जो इसके द्वारा जो किस्में विकसित की जाती है वो उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो मिक्सचर है तो उसमें से एकदम एक्यूरेट उसकी गुणवत्ता को बताना, एक्यूरेट उसके कैरेक्टर्स को बताना कि जर्मिनेशन इतना होगा, इतने दिन में फ्लावरिंग होगा, इतना इसका पैदावार होगा, इतना इसमें फली आएगी, इतने इसमें दाने आएंगे, ये सब एकदम एक्यूरेटली बता पाना इसमें थोड़ा मुश्किल होता है। तो और ये जो पॉइंट है लास्ट पॉइंट, ये बोलता है कि जो वेरिएशन ऑलरेडी मौजूद है उस समूह में पॉपुलेशन में अगर भिन्नता है लंबाई में हो या पैदावार में हो या कुछ उसके डेज टू फ्लावरिंग में हो, उसमें जो भिन्नता ऑलरेडी है उसी को ये इस्तेमाल करता है, ये विधि जो है, ये मेथड जो है उसी में से छांटता है। तो जो भिन्नता अगर है तो ये काम करेगा, और उसमें कोई ज़्यादा भिन्नता नहीं है या जो भिन्नता दिख रही है वो सिर्फ वातावरण की वजह से दिख रही है तो उसमें इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा ये मेथड को लगाने से नहीं होगा। तो पर इसमें जो इसका जो मेन एडवांटेज है वो है कि इसमें टाइम, लेबर और कॉस्ट जो है बहुत कम लगता है, और हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन ऐसा है जिसमें थोड़ा हमको लग रहा है कि मिक्सचर वगैरह हो गया है, कुछ बाहर से भी जीन उसमें आ गए हैं किसी तरह से, वो चाहे इंसेक्ट के द्वारा हो, हालांकि सेल्फ पॉलिनेटेड है, स्वनिषेचित है, पर परागण उसमें नहीं होता है, लेकिन किसी वजह से मान लीजिए इंसेक्ट के द्वारा, हवा के द्वारा किसी वजह से थोड़ा बहुत उसमें मिक्सचर डेवलप हो गया है तो उसको हम छांट के इससे अलग कर सकते हैं, उसकी शुद्धता को हम थोड़ा बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो ये इसमें कर देते हैं। और ये ऑलरेडी एडाप्टेड वैरायटी है, वहाँ पे ऑलरेडी ग्रो हो रही है तो उसमें एडाप्टेशन का प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये है आपका मास सिलेक्शन, जो कि सबसे पुरानी भी, क्योंकि बहुत ये पुराने ज़माने से लोग इसको करे आ रहे हैं कि पॉपुलेशन है उसमें जो अच्छा है उसको छांटे, छांट के उसको ग्रो किए, तो ये एक पुरानी विधि है, बहुत पहले से कर रहे हैं और सिंपल मेथड है। तो इसका जो एप्लीकेशन है, इस्तेमाल है, वो कहाँ किया जाता है,
तो प्योर लाइन सिलेक्शन या प्योर लाइन मेथड से पहले ये जो है ओनली मेथड था जिससे कि हम इम्प्रूव करते थे जो पॉपुलेशन ऑलरेडी हमारे पास था उसको, उसमें से अच्छे टाइप को और ख़राब टाइप को अलग करने के लिए ये मेथड को यूज़ कर सकते थे। और अभी जो है इसको सिर्फ एग्जिस्टिंग प्योर लाइन जो है, कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्योर टाइप की वैरायटी है जिसमें कुछ ऐसा मिक्सचर वगैरह हो गया है तो उसको प्यूरीफाई करने के लिए, उसमें से अशुद्ध को छांटना, शुद्ध को अलग करना, बस उसके लिए इसको प्यूरिफिकेशन के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए, अनडिज़ायरेबल टाइप को हटाने के लिए ही इसका इस्तेमाल मेनली किया जाता है। तो इसका अब आज के तारीख में बहुत ज़्यादा इस मेथड का इस्तेमाल नहीं है।